खरगोन शासकीय महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम दिन सीट बढ़ाने की मांग को लेकर NSUI के बैनर तले छात्रों ने कॉलेज गेट बंद कर प्रदर्शन किया। छात्र प्राचार्य से मिलना चाह रहे थे, जब प्राचार्य प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे तो गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के बाहर मुख्य मार्ग पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक नारेबाजी की। इस दौरान कई राहगीरों वाहन चालकों से कहा सुनी भी हुई। करीब आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रोड खाली करवाया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर हमारा चक्का जाम करते आपको अनुमति दिला, हमारा सिर्फ कॉलेज प्रशासन से इतनी सी मांग थी कि जो 4500 बच्चे एडमिशन लेने से वंचित हो गए, जिनका साल भर खराब होगा, अब उनका क्या होगा कृपया करके हमारे को बता दें। तो प्रिंसिपल साहब अपने AC वाले रूम से बाहर आने को तैयार नहीं कि बच्चों से चर्चा कर लूँ। ये मेरे पास अभी 62% से लेके तो इधर 60% तक के बच्चों, 82% के भी बच्चे इसमें, टोटल 4500 बच्चे जिनके एडमिशन अभी तक नहीं हुए और ये तत्काल में वहाँ बैठे हुए हैं जिनके चक्का जाम है। पुलिस से झड़प भी हुई है, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष ही सरकार ये मारा भी गया है और गई है, मुझे भी वहाँ पर गया कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, पर हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो पुलिस वालों का कहना पड़ता है कि हम यहाँ पे हमारी नेतागिरी चमका रहे हैं। हमें नेतागिरी से मतलब नहीं, हमें कभी नेतागिरी से मतलब होता था हम कलेक्टर भी आके बैठे या कॉलेज के सामने नहीं बैठे। कितने बच्चे हैं जो वंचित रह गए हैं? 4500 बच्चे रह गए हैं अभी वंचित। इससे पूर्व भी आपने ज्ञापन दिया था? इससे सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं, एक ज्ञापन नहीं दिया पिछले एक महीने से NSUI के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पे रोज नया नया एक एक ज्ञापन दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये 4500 बच्चों जो वंचित हो गए हैं इनका एडमिशन का क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसी प्रक्रिया रहेगी, कम से कम ये कॉलेज प्रशासन ये बच्चों को बता दे, कम से कम ये ऐसा बताव ना करे कि जैसे कि ये BJP का कॉलेज है। प्रिंसिपल नहीं आते तो ये बैठे रहेंगे? प्रिंसिपल नहीं आए तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हम क्यों उठेंगे यहाँ? क्या नाम एडमिशन चाहिए बच्चों के? क्या नाम है आपका? राजा टंडी, प्रदेश महासचिव NSUI। और वो बिल्कुल नियमानुसार चल रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। जहाँ तक सीटें बढ़ाने और कुछ भी है वो प्राचार्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उस मामले में मेरे चूंकि मुझे मिला था NSUI का जो पत्र मिला था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारी कुछ सीटें बढ़ाई जाए, जो चूँकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिए मैंने उस कागज़ को फॉरवर्ड के ऊपर अधिकारी को कर दिया। आज अंतिम तारीख है? आज अंतिम तारीख है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब मुझे जो यदि कागज़ मिला है 29 तारीख में तो मैंने उसको 29 तारीख में फॉरवर्ड कर दिया, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें कुछ भी नहीं। सर उनका आरोप है कि 4500 कम से कम 4500 बच्चों का साल खराब हो जाएगा। बात खराब होने की नहीं है, इस वर्ष ये हुआ है कि सारे 12th के बच्चे सारे पास हुए हैं, ये आप सब जानते हैं। उसी तो चूँकि सीट्स महाविद्यालय में उसी हिसाब से होती हैं, इसलिए जो भी है जो सीटें हैं वो सीटें सारी भरी जाना है। अब यदि उसमें ये है कि बच्चे कहीं ज़्यादा हैं तो ये एक शासन स्तर पर ये कार्रवाई होना चाहिए, इसमें मेरा कुछ वो नहीं है। उनका तो प्राचार्य साहब से मिलना चाहते थे, मिलने के लिए आज मिले भी नहीं। नहीं, प्राचार्य मेरे पास आए थे छात्र, मैं मिला हूँ छात्रों से, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, मैंने ज्ञापन यहाँ पर लिया है, उसके बाद भी मैं गेट पर गया हूँ, गेट पर भी उनसे मैंने चर्चा की है, लेकिन वो गेट बंद करने पर आमादा थे, उन्होंने मैंने खुलवाने की भी कोशिश की, अंततः जो है वो। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल कुछ नहीं, जो उन्होंने जानकारी दी है उसको हमने आगे शासन को प्रेषित कर दिए, क्योंकि अभी पेपरों में नहीं है, शासन का कोई आदेश हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन 1 तारीख से 10 तारीख तक CLC राउंड चलेगा, मुझे बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होगा। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर DD शासकीय स्नातकोत्तर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।